हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे जो एसएससी फेज़ 8 का सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। उसका कट ऑफ क्या रह सकता है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे, कितना उसका मतलब पोस्ट वाइज कैसे सिलेक्शन होता है, क्या चीज़ें डिसाइड करेंगी, और सबसे लास्ट की चीज़ें होती हैं रिजल्ट डेट। ठीक है, सो उस सब चीज़ को एक वीडियो में एक वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए शुरू से अंत तक, जिससे कि आपको पूरा जानकारी मिल सके। सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर डिसलाइक करते हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, जिससे कि हम अपने वीडियो को और अच्छा और बेहतर बना सके। और आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा दूसरों तक, कि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आइए हम देखते हैं जो एसएससी फेज़ 8 का जो कट ऑफ होता है वो टोटल किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले होता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे, सेकंड होता है डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का, ठीक है, और कैंडिडेट का कैटेगरी क्या है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल थी उस पोस्ट के लिए। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि मैंने जो बताया है कि किस दिन का पेपर टफ था, इजी था या मॉडरेट था, वो मैंने लास्ट में मैंने बताया हुआ है, और उस चीज़ से आपको ये डिसाइड होता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ उस पर अगर आपको लगता है कि मेरा इस दिन टफ आया था, मैंने इजी बताया, तो प्लीज़ डीमोटिवेटेड फील ना करें और ऐसा ना सोचे कि हाँ वो चीज़ें कि फ़ाइनल है। जो फाइनल बोर्ड का होता है वही फाइनल होता है, जो बोर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में होता है कि हाँ किस मैटर किस चीज़ों पे डिसाइड करते हैं, वही उनका डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। मैंने एक अनुमान लगाया है, उसके लिए आप पैनिक ना करें। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमने बात किया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल, और आपकी कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, और उसके बाद आपका किट कैटेगरी में कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हमें कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिलेक्शन पोस्ट का जो मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स आपको 35 चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, अप्रॉक्स 70 होता है वो, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% चाहिए, जिसको जो कि 60 मार्क्स होता है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 25%, जो कि 50 मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं, अन्यथा आपको वहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं हुआ अगर आपके मिनिमम मार्क्स नहीं हैं तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं, अगर इसमें दिया हुआ है कि अगर आपका सेकेंड फेज होता है तो उस केसेस में आपका अगर 5 वैकेंसी से कम है, अप टू 5 वैकेंसी है, तो 1:20 के में लिया जाता है। अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसी है तो नेक्स्ट फेज के लिए 1:10 में लिया जाता है, नहीं, एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को लिया जाता है कि हाँ नेक्स्ट फेज के जो आपका एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ें तब होती हैं जब आपका नेक्स्ट फेज़ होता है, स्किल टेस्ट होता है, तब होती हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको वैकेंसी है उतने बच्चे को लिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए ग्रेजुएशन का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है, जो इसमें मैट्रिक का होता है, ग्रेजुएशन का होता है, और जो आपका 10+2 का होता है उसमें कट ऑफ बहुत वैरी करता है। इसमें किसी किसी में आपका कट ऑफ चला जाता है 56-55, और किसी किसी में चला जाता है आपका 130। जो मैक्सिमम हमने कट ऑफ देखा है वो हम लास्ट अपने कट ऑफ में बताएंगे कि मैक्सिमम हमने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। पहले हम देखते हैं कि मैट्रिकुलेशन लेवल में आप देख सकते हैं 110, 116 पोस्ट वाइज आता है कट ऑफ। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो हर साल कट ऑफ रहता है उसी हिसाब से रहता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे CR10 219 में दे रखा है, 40 कैंडिडेट हैं, उसमें मार्क्स देखिए 60 देख रखा है। अब इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, ये बार बार प्रॉब्लम आता है कि पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी क्या होता है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं उसमें सेक्शंस में बांट दिया जाता है, ठीक है, हर एक सेक्शन होता है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, तो उसमें जो उस सेक्शन होता है उसमें वो उसमें जो आपका नोटिफिकेशन होता है उसमें डिसाइड किया जाता है कि आपका मैथ और रीजनिंग, अगर आपके बच्चों के नंबर सेम आ रहे हैं तो किस पे डिसाइड होगा। ठीक है, आपका वो चीज़ बता दिया जाता है कि मैथ से हम डिसाइड करेंगे, किस बच्चे के मैथ में नंबर ज़्यादा है तो उसको हम ऊपर रखेंगे मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती हैं जो मैटर कर जाती हैं जब एक नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता रहता है, उस केसेस में ऐसा होता है। ये सब चीज़ें हो गई, आपका देख सकते हैं कि 31 भी गया हुआ है कट ऑफ,
ठीक है, बहुत ही कम जाता है कट ऑफ, इतना सॉरी यहाँ पे 76 गया हुआ है कट ऑफ, इतना कम जाता है 55 गया हुआ है कट ऑफ, तो बहुत ज़्यादा वैरी करता है इसमें कट ऑफ। और देखिए 143 146 भी जाता है कहीं कहीं कट ऑफ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पर डिपेंड करती हैं। सो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले ये तो हो गया आपका 10+2 का, उसके बाद देखिए इसमें आपका हो गया ग्रेजुएशन का। अब हम देखते हैं मेन अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपका इस बार का क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस बार का देखिए अपीयरेंस क्या था। सबसे पहले चीज़ हम अटेंडेंस की बात करते हैं। अटेंडेंस ओवरऑल ये दिखाता है कि आपका कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, सो आइए देखते हैं। जो आपका मैट्रिक के लेवल पे था उसमें 44,293 थे, मतलब अपीयर हुए थे बच्चे, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। जो सेकेंडरी लेवल था उसमें 50,996 थे, ठीक है, और जो ग्रेजुएशन में था 58,999 यानी 59,000 समझ के चलिए। तो ये जो था इस बार अपीयर हुए हैं वो उनका दे रखा है डेटा, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। 44,293 आपका मैट्रिक के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए आपका 20,000 यानी 18,000 समझ के चलिए, और जो 59,000 है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि मैट्रिक लेवल पे क्या था कि जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपका देखिए 6 नवंबर को जो था ईजी आया हुआ था, ठीक है, उस दिन पेपर ईजी था। 9 नवंबर का हार्ड था, 10 नवंबर का हार्ड था, और 14 नवंबर का आपका मॉडरेट बोलेंगे हम, ठीक है ना, इजी ना हार्ड, मॉडरेट बोलेंगे उसको। सो ये इस तरह से थी, यानी आपको फ़ायदा जो 9th और 10th वाले हैं उनको ज़्यादा होने वाला है आपका नॉर्मलाइजेशन में, और बाकियों को कम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद वही 10+2 में बात करें हम, तो 6th नवंबर का था जो, वो शिफ्ट बहुत हार्ड आया था उसका, मतलब हार्ड बोलेंगे, हार्ड की तरफ ज़्यादा था, और जो एवरेज मार्क्स हैं उसमें कम आ रहे हैं लोगों के। और जो 9th था वो मॉडरेट था, और 10th था वो भी हार्ड था, उसमें एवरेज मार्क्स कम है बच्चों के। और जो 14th दिसंबर को हुआ था उसमें ईजी था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे क्या था। 6th ऑफ नवंबर को हार्ड था पेपर, ठीक है, और 9th नवंबर को थोड़ा ईजी था पेपर, और आपका 10th नवंबर को मॉडरेट था, और 14th दिसंबर को इजी पेपर था, ठीक है। सो ये जो था हमने कैटेगरी वाइज इस तरह से डिसाइड किया है कि जो एवरेज मार्क्स आए थे उसके हिसाब से डिसाइड किया है, और जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से डिसाइड किया है। सो आपको ये सब चीज़ें, ऐसा है कि ये फाइनल नहीं है, ये बोर्ड होगा वो फाइनल डिसाइड करेगा कि हाँ, लेकिन हमने एक जो लिया है कि कुछ बोर्ड पोलिंग लिया था उसमें हमने डिसाइड किया था। अब हम बात करते हैं जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, ठीक है। जो मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए है वो जनरल के लिए 120 से 125 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम हमने इसलिए डिसाइड, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाती है कट ऑफ, मतलब 99% केसेस में तो नहीं ये जाती है, और जो आपके 1% केस होता है वो तो अपवाद होते हैं, ठीक है। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो आपका 120 से 125 मार्क्स जाने वाला है, OBC का 110 से 115 मार्क्स, और SC का 100 से 105 मार्क्स, और ST का 90 से 95 मार्क्स, जो ये नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं, सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हायर सेकेंडरी का था उसमें देखिए क्या होता है, उसमें जनरल के लिए 110 से 115 मार्क्स, OBC के लिए 100 से 105 मार्क्स, और ST के लिए 80 से 85, और SC के लिए 90 से 95 मार्क्स, ठीक है, ये फाइनल होना चाहिए। और उसका जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आप देखिए जनरल के लिए 100 से 105 मार्क्स, OBC के लिए 90 से 95 मार्क्स, और SC के लिए 80 से 85, और ST के लिए 70 से 75 मार्क्स। तो ये जो है ये फाइनल है, ठीक है, आपका कट ऑफ इसी बीच रहता है आपका, चाहे आप ग्रेजुएशन का हो, चाहे आप मैट्रिक के हो, चाहे आप हायर सेकेंडरी के हो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, इसलिए हमने एक जो बताया है, जो गैप बताया है उसी में ही कट ऑफ रहेगा, मोस्टली उससे नीचे ही रहता है, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर डिसलाइक करते हैं वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।